हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका MSIV विवेकामृत में। आज हम NCERT क्लास 10th का ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं। इस चैप्टर में दो इक्वेशन आएंगे जो इस रूप के होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो सेकेंड इक्वेशन है। फॉर्मूला नंबर एक है, यदि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल बी वन बाई बी टू, समीकरण निकाय संगत होगा इसका अद्वितीय हल होगा। ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाता है। दूसरा है, यदि a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2 हो तो समीकरण निकाय संगत होगा। समीकरण के अनेक हल होंगे। ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे के संपाति होंगे। इसे आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म के ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इस तरह से, यानी ये एक दूसरे को काटेंगे, रेखाएं इस तरह से बनेंगी। आश्रित समीकरण युग्म की ग्राफ की रेखाएं संपाती होंगी। संपाती अर्थात एक रेखा पर ही दूसरी रेखा होगी, यानी समीकरण एक की रेखा भी यही होगी और समीकरण दो की रेखा भी यही होगी। दोनों रेखाएं संपाती होंगी, यानी दोनों रेखाएं सटी हुई रहेंगी। तीसरा है, यदि a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2 हो तो समीकरण निकाय असंगत होगा इसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफ की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। इसे ही विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं।
नंबर एक, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं, माना कि आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु 1 वर्ष। प्रश्न से कहा है 7 वर्ष पहले, आफताब जो है 7 वर्ष पहले 7 साल कम हो जाएगा, पुत्री भी 7 वर्ष पहले 7 साल कम, पुत्री की आयु का 7 गुनी। तो ये पुत्री की आयु है, इसमें हम 7 से गुना कर देंगे, लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 749। एक्स 7y को इधर लाइए, 7y माइनस 49, 7 उधर जाएगा प्लस में, x माइनस 7y इक्वल घटा लीजिए माइनस 42 फर्स्ट इक्वेशन। पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद आफ्ताब के एज में 3 जोड़ लेते हैं, पुत्री के एज में भी 3 जोड़ लेते हैं। आफ्ताब 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु का 3 गुनी रह जाएगा, 3 से गुना कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 3 3 की 9 आ जाएगा x, 3y को इधर ले लेते हैं माइनस में, 9 3 उधर जाएगा माइनस में, x माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 सेकेंड इक्वेशन। अब इसको a1 बाई a2 पर चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1 है, 1 हो गया, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 1 है, 1 बाई 1। अब y के साथ यहाँ -7 है, -7, यहाँ y के साथ -3 है, अचर पद में है -42, इसमें 6। तो ये दोनों बराबर नहीं है, 1/1 और 7/3 बराबर तो होते नहीं है, लिखेंगे 1/1 नॉट इक्वल 7/3। तो ये a1 बाई a2 है, लिख लेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, इसीलिए समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण लिख लिया है, अब समीकरण को घटा लेते हैं, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 7 में से 3 जाएगा -4y इक्वल 42, 6 जोड़ लेते हैं -48, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, y इक्वल 12 आ गया। समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक है x माइनस 7y इक्वल -42, x माइनस 7 गुने y के जगह पे 12 रख देंगे इक्वल -42, x इक्वल 84 उधर जाएगा तो प्लस में इक्वल -42, घटाने पे आएगा 42। अब लिख लेंगे आफ्ताब की आयु x इक्वल 42 वर्ष, पुत्री की आयु y इक्वल 12 वर्ष। ग्राफ के लिए हम अब सॉल्व करेंगे, ग्राफ के लिए एक तरफ लिख लेते हैं समीकरण एक से x माइनस 7y इक्वल -42, एक तरफ लिख लेते हैं समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए जाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल, समीकरण 1 के लिए हम पहले डब्बा बना के देख लेते हैं क्या क्या इसके हल होंगे। एक मान तो हम लोग निकाले हैं, x इक्वल 42 ईयर, यहाँ y इक्वल 12, यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल 42,
अब आई के जगह पर 12, यहाँ भी लिख लेते हैं x इक्वल 42 और यहाँ 12। जब y इक्वल 20 लेते हैं, y इक्वल 20 x, तो x का मान आ जाएगा x माइनस 7, y के जगह पर 20 भर देते हैं, इक्वल माइनस 42, x माइनस 14, 140 इक्वल माइनस 42, x इक्वल 140 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस 42, x इक्वल 98, तो x का मान 98 आया है इस समीकरण में। जब y इक्वल 20 तो x माइनस 3 y इक्वल 6, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल 6, x माइनस 20 या 60 इक्वल 6, x इक्वल 60 प्लस 6 इक्वल 66, यानी 20 लेने पर ये 66 आ रहा है। जब y इक्वल 8 लेते हैं तो x माइनस 7 y इक्वल माइनस 42, x माइनस 7 आठ है 56 माइनस 42, x इक्वल 56 माइनस 42, x इक्वल 14। जब y इक्वल 25 तो x माइनस 3y इक्वल 6, x माइनस 3 y के जगह पर 25 रख देंगे, 25 तिहाई 75 इक्वल 6, 75 उधर जाएगा तो प्लस में 81। ये x अक्ष है, ये x डैश, y अक्ष का y डैश, ये y, यहाँ मूल बिंदु O, बिंदु हम डाल लेंगे मोटे वाले लाइन पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, काफी है, 20, 30, 40। फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ का मान आया है जो हम लोग भरे हैं, x का मान 42, y 12 है, x का मान 98, y का मान 20, x का मान 14 और y का मान 8 है, वही मान इसमें पुट कर खोजना है, वही मान ग्राफ में खोजकर अंकित कर देना है। x का मान 42, 40 और y के जगह पे 12, y अक्ष पे यहाँ 10 है, x अक्ष का 40, 10 वाला लाइन यहाँ है, 40, 10 और 40, 40 के बाद हम देख लेंगे ये एक पतला वाला लाइन 41, ये 42, इसमें एक एक लाइन का मान 1 लिया गया है। स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने में यहाँ तीन तरह का लाइन है, एक मोटा वाला, अधिक मोटा वाला लाइन है, एक हल्का मोटा है और एक सबसे महीन खींचा गया है, सबसे पतला वाला लाइन है। एक एक पतला वाला लाइन जो है उसका मान एक लिया गया है, एक एक पतला लाइन का मान एक है। इस तरह से इसमें 10 लाइन है, 10 लाइन के बाद देखिए 10 10 अंक बढ़ गया है, 10 10 के बाद फिर 10 अंक बढ़ा है, 20, फिर 10 अंक 30, एक पतला वाला लाइन, एक महीन लाइन का मान एक लिया गया है। तो यहाँ 42 और 12, तो 40 के बाद हो जाएगा 41, 42। जो सेकेंड नंबर का लाइन है वो लेंगे, 40 के बाद आ जाएगा, या 10 के बाद 10 के ऊपर जाएंगे 11, 12, दो लाइन ऊपर 11, 12 और 40 के बगल में 41, 42 के बिंदु A, 42 और 12, x 98, y 20, 90 के ऊपर जाएंगे, 90 के आगे जाएंगे 91, 92, 93, 94, ये बीच का जो मोटा वाला लाइन है 95, 96, 97, 98, 98, 20, 95 के बाद है 96, 97, 98 और 20 के सामने वाला लाइन ले लेते हैं यहाँ। बिंदु B, 98, 20, x अक्ष पे 14, x अक्ष का 10, 11, 12, 13, 14 और 8 लेना है, 10 से नीचे 9, 8, 14, 8। इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। दूसरे इक्वेशन का बिंदु एक यही हो जाएगा, 42, 12, 66, 20,
तो एक शख्स पे 66, 60 के बाद लेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 और 20 लेना है, तो 66 और 20, 20 के सामने 66, 65, 66, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु डी, डी 66, 20, 81 और 25, 80 के बाद आएगा 81, 20 और 30 के बीच मोटा वाला लाइन, ये लाइन 80 से एक ज़्यादा लेंगे 81, यहाँ तो 80 पे आ रहा है, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे 81, डी के बाद लिख लेते हैं बिंदु ई, 81, 25, 81, 25, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। स्केल की मदद से मिला लेना है। ये सेकेंड इक्वेशन का लाइन खींचा जा चुका है, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 6 समीकरण, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट वाला है। ग्राफ बन चुका है एग्जाम में, इसी तरह से ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त लाइन खींचने का ध्यान रखें और एक एक डब्बा का मान सोच ले, तब इस अंक को निर्धारित करें।